आपस में बात कर रहे थे। उनके बाद गोविंद जी ने यह चर्चा चलाई कि अंबेडकरवाद को लाना है, तो जिस तरह काशी राम जी ने यूपी में मूवमेंट शुरू किया उसी तरह नोखा में भी एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाबा साहब की प्रतिमा होना जरूरी है। और उनके बाद उनकी शुरुआत हमने बीरमसर में की, बीरमसर के बाद कुछ और में लगी, आज मेनसर में लग रही है, काकड़ा में शुरुआत हो चुकी है और भाखला में भी बाबा साहब की प्रतिमा लग चुकी है। मित्रों, जब तक अपना जो सिस्टम है गांव और ढाणी में अंबेडकरवाद नहीं पहुंचेगा। अंबेडकरवाद को पहुंचाना जरूरी है, ढाणी ढाणी तक, आम व्यक्ति तक यह महसूस होना चाहिए। मानवतावादी अगर व्यवस्था लानी है तो कम से कम आपको ढाणी ढाणी तक अंबेडकरवाद को पहुंचाना पड़ेगा। मित्रों, अंबेडकरवाद को एक एक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा, एक एक महिला को पढ़ाना पड़ेगा। अपने मां पुरुषों का इतिहास तोड़ना होगा और इतिहास में हमें यह जानकारी दिलानी होगी कि बाबा साहब ने उस पृष्ठभूमि में पढ़ लिख करके अपने लिए इतना कुछ करके गए। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि सरपंच साहब ने गांव के बीच में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने आज करवा के, ये बहुत बड़ा अपने लिए। और इस जो लोग बैठे हैं बाबा साहब, कई लोग हमें महसूस करवाते हैं कि बाबा साहब को एक लिमिट दायरे में बांध के रख दिया कि बाबा साहब शेड्यूल कास्ट के नेता थे, शेड्यूल कास्ट नहीं, देश और विश्व के नेता थे बाबा साहब, उनका दायरा भी बड़ा करना होगा। मैं सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूँ कि 26 गांव के लोगों ने सहयोग करके ये बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण कराने जा रहे हैं, इनलिए बार बार इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, और आज तक यह जो महसूस हो रहा है, नोखा विधानसभा क्षेत्र के 17 सीटों में सरपंच है और उनमें एक जनरल सीटों में भरोसे करते हैं कि हमारी मेनसर जो सीट है उनमें जनरल सीट पे अगर कोई सरपंच बना है तो वो भी एबिलिटी से बना है। कई लोग कहते हैं आप जब सीट आएगी तब बात करना, तो सीट के बाद बावजूद और सीट के बिना भी हम बनने की ताकत रखते हैं, वो ये आपके सामने है। और जो व्यक्ति सीट के बिना बनता है वो अपने मां पुरुषों की बात करता है और जो सीट पे रहता है उनको कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए साथियों, आप लोगों को सबको सोचना है, विचार करना है और बाबा साहब जो हमें ताकत दे के गए थे उस ताकत पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक आज भी अपन उन ताकत में, जिस तरह बाबा साहब एक चीज अपने को जो वोट की ताकत देके गए थे और वोट से उन्होंने कह के गए थे कि वोट से सारे तारे खुल जाएंगे, उस वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करना शुरू कर दीजिए, अपने आप सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसलिए मित्रों, जो भाई सामने बैठे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में, 2 महीने बाद पंचायती राज का चुनाव है, उस चुनाव में आप अपने वोट का इस्तेमाल ढंग से करें और अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चले ताकि सारी समस्याओं का सोल्यूशन ऑलरेडी हो जाएगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई साहब। मानवता के मसीहा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित मंच पर विराजमान आज के हमारे इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई साहब, संघर्ष के बीकानेर संभाग में युग गए संघर्ष के प्रतीक आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल, जिन्होंने राजस्थान के अंदर पहली बार 70 सालों में मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जिसको हम कहते हैं टेंडर बेस बात जो करनी होती है, पूरा राजस्थान ने सुना होगा, पूरा बीकानेर तो जानता ही है, पूरे राजस्थान ने सुना होगा, विधानसभा के अंदर टेंडर बेस भाषण देना, हमारे समाज की पीड़ा को उस विधानसभा के पटल पे रखना, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल खाजवाले से जो जीत करके गए और उन्होंने जाति समाज की पीड़ा और दशा उस पटल पे रखी जहां से एक्शन लिया जाता है, जहां से सुनाई दी जाती है, जहां पर सुनवाई होती है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ में नौका के अंबेडकर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, राजनीति की एक नई क्रांति युवा नेता मदनाराम जी केडली, इस गांव के सरपंच महोदय
मैं इस गांव को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सामान्य सीट पे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करके आपने एक हमारे समाज के युवा को चुना और हमारे समाज के लोग को सरपंच बनाया। मैं आप गांव का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। उसके बाद मंच पर जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे जसरा सर के एसएचओ साहब अधिकारी कर्मचारी कर और पंडाल में पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र के युवा साथियों मातृशक्ति के रूप में विराजमान माता और बहनों आपको मैं प्रणाम नमस्कार और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पे मैं उपस्थित हुआ। ये मौका ऐसा है हमने मूर्ति अनावरण किया लेकिन किसी दलितों के मोहल्ले में या किसी निजी स्थान पे हमने मूर्ति का अनावरण किया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैनसर ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और मैनसर गांव के तमाम नागरिक हो चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति हो तमाम नागरिकों को मैं प्रणाम और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने गांव के बीच में बाबा साहब की स्टैचू जो लगाई। मैं उसके बाद आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि बाबा साहब के स्टैचू एक प्रतीक है जो ज्ञान का प्रतीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने देखा होगा आप लोग पढ़ते भी और देखते भी हो सोशल साइट पे चलता आता है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब अमेरिका में पढ़े उस यूनिवर्सिटी के मेन द्वार जो है उसका मेन गेट जहां पर बाबा साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा लगाई हुई है उस यूनिवर्सिटी के अंदर कि बाबा साहब यहां से टॉप करके गए थे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा है और वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अमेरिका के कहते हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे होनहार युवा छात्र हमारे यहां जो पढ़ के गए वो भारत में पैदा हुए और भारत चूंकि 80% गांव में बसता है और गांव में बसने का मतलब यह है कि अशिक्षा का पूरा तरह बोलबाला है अशिक्षित है और उन लोगों को पता नहीं होता कि विचारवान व्यक्ति कितने हुए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ज्यादा समय नहीं लूंगा मंच से माफी चाहते हुए मैं 10 मिनट का समय आपसे जबरदस्ती मांग लो माफी चाहते हुए 10 मिनट का समय लूंगा। मैं दुनिया के अंदर विचारवान जो व्यक्ति हुए तथागत बुद्धा हुए तथागत बुद्धा ने कहा कि आप मेरे मरणोपरांत मेरी मूर्ति या मुझे मत पूजना मेरा नाम मत जपना लेकिन मैंने जो मार्ग बताए हैं वो मार्ग तर्क की कसौटी पे खड़े उतरे और विज्ञान की कसौटी पे खड़े उतरे तो उसी दिशा में चलना है। तथागत बुद्ध ने कभी खुद को पूजने के लिए नहीं कहा और तथागत बुद्ध विश्व गुरु है। आज भी विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं तो तथागत बुद्ध की पूजा करते हैं यानी कि हम तथागत बुद्ध से शुरू करते हैं। बुद्ध का मतलब वो नहीं सिद्धार्थ नहीं तथागत बुद्ध का मतलब हम बुद्धि का स्मरण करते हैं और ये जो काम का हम अनुसरण या शुरुआत करते हैं हम हमारे बौद्धिक निर्णय से करते हैं हम बुद्धि से करते हैं ये है तथागत बुद्ध का मतलब। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर पैदा हुए और किन परिस्थितियों में पैदा हुए किन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़े वो किसी से कोई छाना नहीं है। सब लोगों ने देखा हमारी व्यवस्थाएं उस दौर के अंदर ऐसी रही जातिवाद से झगड़ा हुआ समाज रहा पिछड़ापन अशिक्षा गरीबी वो चीजें रही उनके चलते बाबा साहब किस संघर्षों में पढ़ करके और दुनिया के सबसे विद्वान दुनिया के सबसे बड़े वकील और तो और इस देश को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले और मातृशक्ति मेरे बीच में विराजमान है। मातृशक्ति को मैं कहता हूं कि आपके गांव के अंदर बाबा साहब का स्टैचू तो लग गया लेकिन आप बाबा साहब को पढ़ोगे तो निसंदेह आपकी जो तीसरी आंख होती है हमारे पूर्वज कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी के चार आंख होती है और पढ़े लिखे आदमी के चार आंख किस लिए होती है कि एक तो हम जो देख रहे हैं वो होता है एक हम सोच के देख रहे हैं वो होता है और आदमी पढ़ने के बाद सोच करके देख रहा होता है उसका नजरिया बदल जाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है निर्णय ये लेना होता है कि हम कर क्या रहे हैं करने क्या चाह रहे हैं और हमें करना क्या है। निसंदेह मैं आपको कहना चाहूंगा कि महापुरुषों के अंदर गिनती करें तो दुनिया के श्रेष्ठ लोगों में शुमार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे इस देश में पैदा हुए हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं हमारे समाज के लोग जिन लोगों ने अंबेडकरवाद को अपनाया जिन लोगों ने बाबा साहब के दिए हुए संविधान में
प्रावधान आरक्षण की वजह से नौकरी करी, आरक्षण की वजह से सरपंच से लेकर के मंत्री तक वो बने, एक सिपाही से लेकर के डीजी तक वो बने, एक ग्राम सेवक से लेकर के कलेक्टर तक वो बने, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के विचारों को प्रचारित नहीं किया। और बाबा साहब के विचारों को प्रचारित करने वाले लोगों की बात करें तो जय भीम बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों का अनुसरण करने वाले बहुत लोग कम मिलेंगे। हमें जरूरत है कि बाबा साहब के नाम को नफरत की दिशा में न ले जाया जाए और बाबा साहब के नाम का एक सही दिशा में प्रचार प्रसार करें कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया, बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया, वह चीजें सब लोगों को बताने की आवश्यकता है। मातृशक्ति के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून मंत्री थे, कानून बनाया 1952 के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया कि हिंदू कोड बिल का सही मतलब यह था कि महिलाओं को सम्मान मिले पुरुषों के बराबर, इस देश के अंदर महिलाओं को सम्मान मिले पुरुषों के बराबर, हक और अधिकार मिले। महिलाओं के सम्मान की बात जहां आई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि हिंदू कोड में लागू नहीं होता है, महिलाओं को इस देश में सम्मान नहीं देते हैं पुरुषों के बराबर, तो मेरे जैसे विद्वान व्यक्ति को इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगले वाले आने वाली पीढ़ी मुझे दोष देगी कैसे विद्वान आदमी ने कानून बनाया और हमें सम्मान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के तमाम नागरिकों के लिए, तमाम मातृशक्ति के लिए हक और अधिकार दिए, जिसके बदौलत हम आजाद फिजा में जीने का काम कर रहे हैं, आजाद फिजा में सांस लेकर के जी रहे हैं। ये आजादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई है। मैं यहाँ मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये आजादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की दी हुई है। मैं आप लोगों को एक मिनट में बात पूरी करूंगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री पैदा हुआ, विचारवान पैदा हुआ, जिसके जनाजे के अंदर 14 लोग थे। कार्ल मार्क्स का जो जनाजा था अंतिम संस्कार, उसमें 14 लोग शामिल हुए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जनाजे के अंदर जब परिनिर्वाण हुआ, उनके अंदर तकरीबन 6-7 लाख लोग थे। कार्ल मार्क्स को उन 14 लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया और बाबा साहब के जनाजे के अंदर 6-7 लाख लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब का केवल जय भीम करने लगे और बाबा साहब के विचारों को प्रसारित नहीं किया। यही दुर्भाग्य है कि 70 सालों के बाद आज हमें कहीं चंद जगहों पर मूर्ति लगाने के लिए जगह मिलती है, चंद जगह पर मूर्ति लगा सकते हैं, नहीं तो आज बाबा साहब के विचारों को प्रसारित किया होता तो जन जन तक लोग पहचानते कि वास्तव में बाबा साहब ये थे। हम सबके लिए बाबा साहब के विचार उपयोगी है और सब लोग बाबा साहब का गुणगान करते, सब लोग बाबा साहब को पढ़ते तो निसंदेह हमारा देश समाज मजबूत होता, हम राष्ट्र का निर्माण सही दिशा में कर पाते। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इस गाँव के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, इस गांव के तमाम नागरिकों को जिन्होंने मंच उपलब्ध करवाया और मुझे बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप मंचासीन तमाम लोगों को पुनः प्रणाम। आपने मुझे सुना, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद भाई साहब। अभी पहले से घोषित नहीं है लेकिन कितना विशाल प्रोग्राम, ऐतिहासिक और बिल्कुल सीमा के गांव में, और इतनी विशाल मूर्ति जिसमें कम से कम 20 लाख का खर्च हुआ है, इसमें गांव के प्रत्येक जाति और वर्ग का इसमें सहयोग है। तो अब मैं घोषित करता हूं कि आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता हीराराम जी करेंगे। आप जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें, क्योंकि मैं जब शुरुआत में राजनीति में नोखा में सक्रिय था तो हीर जी का हमारे साथ में काफी महत्वपूर्ण योगदान था, और मैं सर में पहले भी ओबीसी का सरपंच रहा है सरवण जी सामान्य में, और आज इस बात की खुशी है कि सामान्य सीट पर मक्जी को आपने सरपंच बनाया, और सरपंच से भी बड़ा तो आज इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है कि संविधान निर्माता भारत रत्न जो विश्व में 6 विद्वानों में एक थे उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज
उनकी इतनी विशाल मूर्ति लगाई चौक में, आप सभी इनके लिए और इनके सहयोगियों के लिए जोर से ताली बजा के स्वागत किया। साथियों, मैं अगर सबके नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा है, मैं मैन मैन ले लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट है क्या नामों की, कोई कितनी है। सबसे पहले तो आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हीराराम जी और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई मग्गाराम जी, सरपंच, क्या नाम है सरपंच महिला है, सीता देवी जी, पंचायत समिति सदस्य नारायण देवी जी, कमल जी जो कि हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, और मंची के बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई, लिखमा राम जी को मैं आज इस प्रोग्राम में याद करना चाहूंगा कि वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे और उसी रास्ते को मजबूत कर रहे हैं मर्जी, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उनके एक इलाज के अभाव में मानो लापरवाही से डेथ हुई, मैं मौके पे भी गया था, आज रियल में क्योंकि मैं उनके साथ ढाणी में बैठा हूं, मेरा लगाव था उनकी मदर उस टाइम, वो भी मुझे याद है कि शायद सामान्य सीट पे डायरेक्टर बनी थी। तो इस परिवार से आपका हमेशा लगाव रहा। आदरणीय मंजी भाई हमारे राजेंद्र बापू, राजेंद्र जी और भी हैं जो अभी बोले मेरे से पहले, भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी बापू भी, पिछले काफी सालों से यहाँ जिले में सक्रिय हैं, दलित एट्रोसिटी के लेकर समय समय पर आंदोलन करते हैं, और भाई मगनाराम जिन्होंने नोखा के अंदर समय समय पर जहां भी एट्रोसिटी हुई है, जहां अधिकार की बात हुई है, तो चाहे वो नोखा हो चाहे बीकानेर हो, लेकिन अपनी बात जो है हमेशा ये और इनकी टीम निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। सरपंच प्रतिनिधि हमारे भाई रामस्वरूप जी जो कि मंच पर विराजमान है, कन्हैयालाल जी भाषी हमारे खीमसर विधानसभा से आए हुए हैं, जिन्होंने 2 अप्रैल में शायद इन पर मुकदमा भी हुआ या जेल में भी हुए, इनका नाम क्या है, रामपाल जी। ये 2 अप्रैल को जो हमारा पूरे हिंदुस्तान में क्रांति हुई उसमें इनको जेल में रहना पड़ा। मैं उन 17 नौजवानों को जो 2 अप्रैल को शहीद हुए उनके लिए भी मैं चाहूंगा आपको कि मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप उनका ताली बजा के स्वागत भी करें। हरिराम जी बुंदू सर जो कि हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अभी सरपंच प्रतिनिधि है, खुद सरपंच है, प्रतिनिधि है हमारे बुंदू सर में, जोगाराम जी भागला जो मुझे याद है कि मेरे समय में 7 वोटों से जीते थे पंचायत समिति मेंबर और समय समय पर मेरे से मिलते भी रहे हैं, क्योंकि अब मैं नाम लूंगा तो काफी होंगे, या तो मुझे 5-10 नाम आप और बता दो। अभी हमारे सांसी समाज के बहुत अच्छे वक्ता बोले थे, उनका क्या नाम है, मोहन जी, मोहन राम जी मेघवाल जो कि नागौर के अंदर छात्र संघ के अध्यक्ष है किसी कॉलेज में। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बैठा बैठा यही देख रहा था कि अब हमारे इस मोमेंट को खड़ा करने के लिए काफी लोग जो बहुत ही नॉलेज और अनुभव के साथ बोल रहे हैं, निर्भीक होकर बोल रहे हैं, अन्यथा पहले ये दिक्कत थी कि कोई आंदोलन होता था। मुझे याद है 1980 में कि जब हम अंबेडकर जयंती बीकानेर सर्किल पे मनाते थे तो जिस मोहल्ले से लेके निकलते थे वहां से ही 10 आदमी बैठे ताश के पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन वो जयंती पे शरीक नहीं होते थे। और आज हमें खुशी है कि काफी जगह से इस मूर्ति पे लोग आए हैं, इधर नागौर से भी आए, खीमसर से भी आए, अभी झुंझुनू से आए, एक हमारी महिला टीचर है जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही बबीता जी ने, क्योंकि कमी तो निकाला तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आज इस शुभ घड़ी में यही कहना चाहूंगा कि फिर भी मातृशक्ति आप खूब आई है, इनके लिए भी आप जोर से ताली बजाएं और इनका भी आप स्वागत करें। चेतन राम जी चौहान, मोतीलाल जी भीमसेना अध्यक्ष नागौर, राजेंद्र जी का बारे में नाम बोल चुका हूं पहले, रामचंद्र जी पवार, रूपाराम जी लोथिया, राजेंद्र जी बापू का भी बोल चुका हूं, दिनेश जी सारण आए क्या, दिनेश सारण
खैर नाम लेके तो काफी हो जाएंगे, अब आप हैं गुरमेल सिंह जी जो कि जसरासर के थाना अधिकारी हैं और सभी सामने विराजमान मोतियों से भी महंगे मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों सबको जय भीम। मैं सुबह जयपुर से रवाना हुआ, मेरे से करीब 10 दिन पहले आकर के मत जी ने कहा कि हम लोग इस तरह की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतनी विशाल मूर्ति चौराहे के बीच में कि आपका टैंक भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि शायद इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे। मैं देख रहा हूं कि लोग धूप में जमे हुए, बहुत हमने शॉर्ट प्रोग्राम किया है क्योंकि या तो घंटा घंटा बोलने वाले लोग हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे बोलने वाले थे, तो मैं भी शॉर्ट करूंगा क्योंकि धूप है। हमने नाश्ता इसलिए रोका कि नाश्ता तो हम हमेशा करते हैं और हम लोग किसान हैं, कई बार खेत में भी बात आने में देरी हो जाती है, क्योंकि काम एक ही हो सकता है कि या तो आप बात कर लो या फिर भोजन कर लो। अगर आप नाश्ता करेंगे तो हजारों लोग हैं, फिर बात का आनंद जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहे, वो बीच में प्रात लेके घूम रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई कह रहा है उनको दो, इसलिए मैंने बंद करवाया। अब हम आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, निकलने दो मोटरसाइकिल, निकलने दो क्योंकि रास्ता आपने सारा जाम कर लिया, इसलिए इसको निकलने दो ताकि अपन डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके बाद में मेरी बात शुरू करता हूं। साथियों आप सब जानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हजारों लाखों लोगों को बलिदान चढ़ना पड़ा, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े जब हमें आजादी मिली। और आप सब जानते हैं कि स्कूलों में गांव में हम सब जाकर के स्कूल के अंदर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और वो इसलिए मनाते हैं कि हम गुलाम थे और गुलाम कोई एक समाज नहीं था, पूरा देश गुलाम था। अगर हम हमारे देश की हिस्ट्री देखेंगे तो आज जो भारत का नक्शा है ये नक्शा पहले कभी नहीं रहा है। ये जरूर सुनते हैं कि सोने की चिड़िया थी, लेकिन 1947 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को मोहर लगी संविधान पर, क्योंकि जैसे ही आजादी मिली तो यह तय किया गया कि इस देश में व्यवस्था कैसे लागू हो, क्योंकि 47 से पहले देश का संविधान नहीं था, लिखित संविधान नहीं था, पहले वर्ण स्मृति के आधार पर हमको वर्ण व्यवस्था पर बांट दी। वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी, ये मेरी जो हाथ है खड़ी लाइन थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र, जिससे अंबेडकर साहब पैदा हुए। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये जो खड़ी लाइन है इस समाज के अंदर जिसकी वजह से हमें गुलामी झेलनी पड़ी है, इसको खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, देश का विकास शुरू हो। लेकिन साथियों दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग जाति में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि आज भी अगर कोई घर में मेहमान आता है तो सबसे पहले उससे जाति पूछेंगे, आपकी कौन सी जाति है, कौन सा गांव। और इसी जाति की वजह से हम लोगों को मुगलों का गुलाम रहना पड़ा। 700 में आया था मीर कासिम, 1500 तक कभी तुगलक आए, कभी लोदी आए, कभी गुलाम वंश आया, राज करते रहे। 1680 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेजों की, व्यापार करने के लिए आई थी ओनली, और जब उसने देखा अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल पीपल सेटल्ड इन इंडिया, कौन आए, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा अनपढ़ गवार अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस देश में बसते हैं। उन्होंने अपराधी शब्द क्यों कहा,
कि अगर एक गरीब आदमी मांचे पे बराबर बैठ गया कोई दलित समाज का, उसको पीटने लग जाओ। अगर उसको प्यास लगी हो और उसने मटकी में पानी पी लिया बिना पूछे, उसको पीटने लग जाते थे। इसलिए उन्होंने अपना मौका देखा कि यहां तो भयंकर लोग टूटे हुए। मैं उसको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि बाबर और राणा सांगा का जब युद्ध हो रहा था तो सुबह युद्ध शुरू करते थे, सूर्य छिपने से पहले युद्ध को बंद कर देते थे। जब शाम को उसने देखा कि राणा सांगा के कैंप में धुआं अलग अलग उठ रहा है, उन्होंने गुप्तचर भेजा। जब वो गुप्तचर आ गया तो उसने देखा कि राणा सांगा का जो सिपाही है वो जाति के आधार पर अलग अलग रोटियां बना रहे हैं, उससे धुआं उठ रहा है। उसने वापस आके कहा कि इनमें एकता नहीं है, ये सब जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये आपस में बैठे साथ में खाना नहीं खा सकते। और मैं कहता भी हूं मुसलमान 100 आदमी एक थाली में खाना खा सकते हैं, लेकिन हम जो हिंदू अपने आप को कहलाने वाले लोग, जात के साथ अगर देखभाल बैठ जाएगा तो भी गांव में चर्चा होगी कि आज ये साथ में कैसे खाना खा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जब उसने देखा कि धुआं अलग अलग उठ रहा है और गुप्तचर ने वापस आके कहा कि ये तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि हमारी शमशान भूमि भी अलग अलग है, बेड के बाद भी हम साथ नहीं सो सकते। तो राणा, उसने बाबर ने कहा रहे फिर तो इनको हराना बहुत ही अच्छा है, आसान है। उसने उसी टाइम हमला कर दिया और सारी सेना को तेज नहस कर दिया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जैसे मैन सर में, उस तरह से उस आदमी को क्लास से बाहर बिठाया जाता था, अंदर नहीं बैठ सकता। वो इंटेलिजेंट था, एक दिन बोर्ड पर पढ़ाने लगा, उनके पीछे कुछ टिफिन पड़े थे ऊंची जाति के लड़कों के, लड़कों ने रोटी नहीं खाई कि अछूत है हमारा टिफिन जो है बिटीज गया, उसको बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, बोर्ड पे बैठ के पढ़ना पड़ा। लेकिन वो घबराया नहीं, उनके जहां भी अत्याचार हुए वो उसको अपने जीवन में उतारते गए। जब वो पढ़ाई आपकी जब बड़ी पढ़ाई, क्योंकि यहां स्कूलें नहीं थी आजादी से पहले, हमारे जितने भी 70 साल से पहले ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं वो लगभग अनपढ़ है। उसका कारण यह था कि स्कूल नहीं थी, कॉलेज नहीं था। पिछली बार बीजेपी सरकार ने जब लगाया कि 10वीं पास को डायरेक्टर बनाएंगे, मेरे खाजूवाला क्षेत्र में बाहर से ला ला करके बोर्ड जुड़ा जुड़ा के डायरेक्टर लड़ाने पड़े, 10वीं पास आदमी नहीं मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आजादी मिली और यह जब तय हुआ कि संविधान कैसा हो, विदेश में गए तो विदेश में कहा कि एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब वहां के राष्ट्रपति ने सर्वे करवाया कि 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कौन था, तो सर्वे में निकल के आया कि उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वहां की सरकार ने तय किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे प्रतिमा लगाएंगे, वहां प्रतिमा लगाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उस पर लिखा क्या गया, सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। ये कहां लिखा गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे। ये बहुत दुर्भाग्य है मित्रों कि इस देश में जाति के आधार पर पूछते हैं और विदेशों में योग्यता के आधार पर। आज आपको महात्मा गांधी की फोटो दक्षिण अफ्रीका में जाओ वहां आपको संसद में मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के बारे में मैंने बताया, अगर वहां के तत्कालीन ओबामा थे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम इसका नाम रखते उगता हुआ सूर्य, क्या रखते, उगता हुआ सूर्य। और उसी डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बना दिया, फिर भी हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब की जब अंबेडकर जयंती होती है, जिसने इस देश को वोट का अधिकार दिया, हर जाति को समानता का अधिकार दिया,
लेकिन जब हम जयंती मनाते हैं तो जय भीम बोलने वाले दलितों के अलावा नहीं मिलते, हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं साथियों कि विदेशों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत संविधान बनाएगा और आज हमें खुशी है, गर्व है, एक झोपड़ी में पैदा होने वाला अछूत का बेटा विश्व में 6 नंबर विद्वानों में 1 नंबर पर, और आज विश्व के अंदर अगर कोई हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं तो वो कहते हैं कि एक ही चीज लेने लायक है, वो है भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। संविधान बन गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन साथियों आज भी हमारे देश को लोग परंपराओं के आधार पर चलाना चाहते हैं, तू नीचा हम ऊंचे। अगर संविधान के अनुसार हमारा देश चलता तो आज विश्व में हमारी फिजा अलग होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा लिखित संविधान जिसको संसद के सामने जलाने का घिनौना काम करते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा इस देश में ही नहीं 30 देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 30 देशों के अंदर। अब इस विचारधारा को हम दबा नहीं सकते, इसलिए साथियों हमें दुख है इस बात का कि आज जो देश के अंदर काबिज है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? अंग्रेज ने नहीं मारी थी, मारने वाला विदेशी नहीं था, हमारे देश का आरएसएस का एक कार्यकर्ता था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोग आज राज में बैठे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अंग्रेजों से बिगड़े लोग थे वो आज इस देश के शासक हैं। पहले नोटबंदी लगाई, आज हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी, फिर जीएसटी लगाई, व्यापार चौपट, लेकिन उस पर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं ज्यादा राजनीति की तरफ नहीं बोलूंगा क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है, लेकिन अगर हम देश की वर्तमान स्थिति पर बात नहीं करेंगे तो यह भी हमारी जनता के साथ धोखा होगा। आज हमारा व्यापार चौपट, आज हमारा रोजगार चौपट, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि खाली ये दलितों के नेता नहीं थे, अगर इस देश में मजबूत प्रजातंत्र में संविधान देने का काम किया है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है, जिसको हमको सबको नमन करना चाहिए, क्योंकि आजादी से पहले 16-16 घंटे काम कराते थे श्रमिकों से, अंबेडकर साहब ने कह दिया श्रमिक से आप 8 घंटे काम लो। महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, मेरे से पूर्व वक्ता ने यह बात कही है, आज महिला का अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, आज उनको बराबर का दर्जा है। आज इसी संविधान में ताकत दी कि आज यहां की सीता देवी है या गीता देवी है, सीता देवी यहां की सरपंच है, उनके लिए एक बार आप जोर से ताली बजाओ कि आज सीता देवी ने यह मूर्ति लगाने का काम किया। इसमें आप इस विचारधारा को मत जोड़ना कि अंबेडकरवाद ला करके कोई दलितों का मतलब बारे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथियों अगर इस देश को मजबूत करना है आपको अंबेडकर विचारधारा अपनानी पड़ेगी। आज अंबेडकर को प्रत्येक पार्टी के लोग फोटो लगा के चलते हैं, किसी की भी ताकत नहीं है कि अंबेडकर के फोटो को लेकर चले नहीं, क्योंकि लोगों में जागृति आ रही। मैं बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने सभी अपने विश्वास छोड़ दिए, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं जब इस देश में 10 करोड़ जनसंख्या थी तो 33 करोड़ देवी देवता थे, एक आदमी के पीछे 3 देवता, फिर भी 1.5 वर्षों तक गुलाम। अब तो 33 करोड़ से भी अलग हो गए जगह जगह, उनका नाम लेंगे तो लंबी लिस्ट है, फिर कोई नाराज हो जाएगा। मेरे पे मुकुट में भी हुए थे एक बार, मैंने कही थी मात्र इतनी सी बात कि जिस मंदिर में दलित को घुसने नहीं दिया जाए उस दलित को उस मंदिर पे नहीं जाना चाहिए, पिटने के लिए क्यों जाता है। उस बात का मेरे में मुकदमा हुआ, 10 मुकदमे नौका थाने में भी हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को,
कि राज्य सरकार ने आज वो मुकदमा वापस ले लिया है, वो मुकदमा खत्म हो गया कोर्ट के अंदर, ये भी बताना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं साथियों कि अगर इस देश को तरक्की की ओर ले जाना है आपको अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप अंधविश्वास नहीं छोड़ोगे, मैं खाली दलित समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर का गुरु कौन था? ज्योतिबा फुले। जाति का कौन था? माली। 1848 में उनकी पत्नी सावित्री देवी महिलाओं को पढ़ाने का काम करती थी, स्कूल नहीं थी, नीम के पेड़ के नीचे नीम की डाली को बनाती थी कलम, और महिलाओं को और दलितों को पढ़ाते थे, तो वो जब घर से निकलती थी तो एक साड़ी साथ में ले जाती थी, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार थे वो सावित्री जी के ऊपर कीचड़ डालते थे कि महिलाओं को पढ़ा रही है, महिलाएं बिगड़ जाएगी, दलितों को पढ़ा रही है। इसलिए साथियों वो जाकर के स्कूल में अपनी साड़ी बदलती थी। ज्योतिबा फुले और कबीर दो पदों पर भीमराव अंबेडकर ने गुरु माना। ज्योतिबा फुले ने कहा था शिक्षा के बगैर मति नहीं बुद्धि, मति के बगैर गति नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, गति के बगैर अर्थ नहीं रुपया पैसा नहीं आएगा, और अर्थ के बिना आदमी खच्चर के बराबर है, पशु के बराबर है। ये किसने कहा? ज्योतिबा फुले। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुरु बनाया कि अगर आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की तो आपका जीवन पशु के बराबर है। अगर आपको गांव में सबसे पीछे रखना है किसी को तो उसके घर में शिक्षा बताने दो, अपने आप मामला सट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेज आए, उन्होंने स्कूलें खोली, उससे पहले हमारी स्कूलें नहीं थी, दलित प्रवेश नहीं कर सकता था, महिला स्कूल में नहीं जा सकती थी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, महमूद गोरी नहीं गजनी, अफगानिस्तान गजनी का रहने वाला था, यहां आया, सोमनाथ मंदिर गुजरात में बहुत बड़ा, सारी मूर्तियां सोना और चांदी से भरा हुआ, गजनी का बदमाश था, उसको पता लगा कि सोमनाथ के मंदिर में सोना और चांदी भरा पड़ा है। यह अटल बिहारी का एक भाषण भी है। वो गजनी गए अफगानिस्तान में, उसने कहा मैं गजनी देखना चाहता हूं, जहां से महमूद गजनी आया कुछ असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर सोमनाथ के मंदिर को लूट के चला गया, और वहां जो सोना चांदी की मूर्तियां थी खच्चर पे भर के ले गया, और बहुत सारे हिंदुओं को ले गया, उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। तो ये मैं नहीं, अटल बिहारी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे लेकिन वो तमाशबीन खड़े होकर देख रहे थे। वो कौन लोग थे? वो हम लोग थे। दलित था, ओबीसी थी, किसान था। क्यों? कि दलित का काम था कोटवाली करो, तलवार मत चलाओ, हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। ब्राह्मण जो थे पुजारी वो पूजा करते थे, हथियार चलाना नहीं जानते थे। व्यापारी व्यापार करो, सूत्र सेवा करो, मात्र छत्री लड़ते थे तो वो संख्या में कम होते थे और वो ज्यादा आकर के हमला करते थे, और उसी का परिणाम हुआ कि 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूट गए। इसलिए अटल जी ने कहा कि अगर हमारे समाज में समानता होती, शिक्षा होती, हथियार की ट्रेनिंग होती, देशभक्ति होती तो बाहर का एक आदमी आकर के देश को नहीं लूट सकता था। उसका मूल कारण था जातिवाद, उसका मूल कारण था वर्ण व्यवस्था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सभी को समान रूप से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, समान रूप से हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। और यदि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो आज भी ये देश अंधविश्वास में जीता। इसलिए मैं एक बात में कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में छुआछूत का कलंक किसी ने खत्म करने का काम किया तो उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर था साथियों, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर था। विश्व में हमारी भयंकर भर्सना होती है, विश्व में कहीं भी जाति नहीं मिलेगी, ये देश से जहां जाति मिलेगी। गाय को माता मानते हैं और इंसान को कहेंगे मटकी के हाथ मत लगाओ, हमारे टेंट में हमारे साथ खाना मत खाओ, हमारी बिरादरी नाराज हो जाएगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को आगे ले जाना है, इस छूत जैसी बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। और मैं उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि जो आज दलितों के साथ छुआछूत करते हैं, अगर जिस दिन छुआछूत में इनमें दलितों में समझ आ गई, अछूत समझने वालों को अगर इन्होंने वोट देना बंद कर दिया तो आप सरपंच भी नहीं बन पाओगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, आज मैं ज्यादा नहीं कर करके, समय ज्यादा हो गया, 10-15 लोग बैठे, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो ज्योतिबा फुले ने नारा दिया कि आप ये जो शिक्षा है, मेरे भाई ने कहा था ये शेर की गूंज है। आज ये जितने बच्चे बोल रहे हैं इसका कमाल शिक्षा है, ये पाठ पूजा नहीं है। मैं भी गाय को माता मानता हूं, लेकिन इस देश में गाय को माता बना के जितनी गाय की दुर्गति है वो किसी पशु की नहीं है। आज इस देश में भेड़ और बकरी आपको आवारा नहीं मिलेगी, लेकिन गाय, हर पंचायत में 500 गाय खड़ी है, उससे मुखी कौन है? किसान। बीकानेर के 30 किलोमीटर में कोई भी किसान अपनी खेती नहीं कर सकता। मेरे खाजूवाला में 500-500 गाय और गोबे एक एक पंचायत में खड़े हैं। मैंने ये बात विधानसभा में रखी है, प्रत्येक किसान को तारबंदी पिलर लगा के और प्रत्येक गांव में गौशाला खोलनी पड़ेगी ताकि हमारी गाय बच सके, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े लोग एक्सीडेंट में मर गए क्योंकि आवारा गाय रात को आपको रोड पे मिलेगी। इसलिए भाइयों, ये जो कभी गाय के नाम पर, कभी गोधे के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं और जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। इस देश में अगर विकास होगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उससे पवित्र कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। अभी भी पीछे चल रहा था कि संविधान ही हमारा पवित्र पुस्तक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज स्कूलों में संविधान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा संकल्प लेके जाए कि शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो और शिक्षित बनके संगठित रहो, ये संगठन है आप जो बैठे हो, और संगठित रहकर संघर्ष करो। प्रधानमंत्री में अगर आपका कोई अधिकार नहीं मिलता है तो अपनी आवाज को बुलंद करो। इसलिए जो 2 अप्रैल को आपने क्रांति लाए, हमारे 17 नौजवान शहीद हुए, लेकिन उनका नाम अमर रहेगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप अपने अधिकारों के लिए बलिदान देंगे, अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे और अच्छा प्रतिनिधि चुनोगे तो आपकी बात विधानसभा और लोकसभा में गूंजेगी। और यदि ऐसे लोग बना दोगे, चाहे उनके पास पैसा बहुत होगा, लेकिन अगर गरीब की कोई बात नहीं सुनता है, आपका विकास नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि मक्काराम गरीब घर का बेटा है, वो घर घर जाके बात सुनेगा। डॉक्टर अंबेडकर एक झोंपड़ी में पैदा होकर के उसने प्रत्येक समाज की सूत्र ली। उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आज 25 करोड़ हमारे देश में मुसलमान है और हमारी भारत की सरकार के नेता क्या कहते हैं, मुसलमान को पाकिस्तान भगा दो। अरे भले आदमी हो, जब ये देश गुलाम था तो आप अंग्रेजों के तल में चाट रहे थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आप लोग पकड़वाते थे। और आज जो मुसलमान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस देश में रह रहा है, आज सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, जाति के आधार पर पूरे देश में दलितों को दबाने की साजिश की जा रही है, बाबा साहब के संविधान को चलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं आपसे, जो हमारे दलित और ओबीसी और किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर इस देश में आप विकास चाहते हैं तो धर्म निरपेक्ष, प्रत्येक धर्म को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी को रहने की आजादी है, प्रत्येक आदमी को बोलने की आजादी है। किसी को भी अगर गरीब जाति का देख करके आप अत्याचार करते हो या उसकी जमीन पे आप कब्जा करते हो तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि अंबेडकर के रास्ते पर चलकर
अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें। जिस दिन अंग्रेजों की तरह आज इस मुल्क के अंदर प्रत्येक हमारा छात्र पढ़ा लिखा हो जाएगा, अन्याय अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा बात न कहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारे भारत रत्न विश्व विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा से यही प्रेरणा लेके जाए कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। गांव में छुआछूत नहीं करनी चाहिए। छुआछूत कहीं करता है कोई, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, आप आगे बढ़ के उसका विरोध करो कि आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें इज्जत चाहिए, हम विधायक बनने से रह जाएंगे, हमें चाहे सांसद मत बनाओ, लेकिन हमें समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। अगर हमारे किसी गरीब भाई के साथ अन्याय हो रहा है और अगर हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं तो साथियों अत्याचार सहने वाला भी उतना ही भागीदार है जितना अत्याचार करने वाला है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आज सभी जाति और धर्म के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने जो ईमेल का पत्थर लगाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब हर 14 अप्रैल को यहां जयंती मनाई जाएगी। अभी 26 नवंबर आ रहा है, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को स्वीकृति मिली थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। तो मैं चाहूंगा कि 26 जनवरी को भी आप माल्यार्पण करें और बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। अब अगर आपको एक एक घंटे में मरना है तो अपनी बातों को बदलते रहो, और यदि आप बहादुर बन के जियोगे तो उन्होंने कहा था कि भले बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। हम शेर बन के जियो, आपका कोई बलिदान नहीं ले सकता। इसलिए साथियों बाबा साहब ने कहा था कि या तो जिंदगी में ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद लोग लिखे उनके बारे में, या ऐसा लिख जाओ कि लोग मरने के बाद में भी पढ़े और मूर्तियां लगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने देश का संविधान पढ़ने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें और अपने घर से अंधविश्वास को भगाने का काम करें। और विशेषकर मैं मेरे समाज को एक लास्ट में कहना चाहूंगा कि ये जो रात्रि को जग जग करके आप जागरण लगाते हो, इससे क्रांति नहीं आएगी। कबीर को भजन गाते हो, पर कबीर ने कहा था पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते आते की चक्की भले पीस खाए संसार। कबीर से बड़े अपन कवि नहीं है। कबीर को पढ़ पढ़ के लोग पता नहीं कितने विद्वान हो गए। उन्होंने कहा पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूज लू। नागौर में अभी मैं देख रहे हूं और भी बड़े पहाड़ है। इसलिए साथियों आप लोग शिक्षा की तरफ बढ़े, और डॉक्टर बाबा साहब को चाहे माला नहीं पहना है लेकिन बाबा साहब जो किताबें लिख के गए 20 वॉल्यूम वो आपके हॉस्टल में नौका में मिलती है। अगर उन पुस्तकों को आप पढ़ लोगे आने वाले समय में आपकी औलाद SP बनेगी, आपकी औलाद कलेक्टर बनेगी, आपकी औलाद इस देश में बड़े नेता बन करके इस देश में प्रकाश देने का काम करेंगे। इसलिए मैं पुनः उस बाबा साहब को नमन करता हूं और उनमें नौजवानों को भी नमन करता हूं कि वो सही दिशा में अपने संगठन को बढ़ाने का काम करें। खाली जेबी संगठन नहीं रखे कि जब आप आंदोलन पर उतरे तो पीछे 10 आदमी नहीं हो, उस संगठन का मतलब नहीं है। जब आप सड़क पर निकले तो आपके पीछे हजारों लोगों की भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि हमने तो जेल देखी, लाठियां भी खाई है। इसलिए समाज में जो 36 कौम के लोग बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमारे स्टेट को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको भाईचारे का संदेश देकर और ऊंच और नीच का भेद मिटाकर समानता का दर्जा देकर स्वतंत्र रूप से रहकर हमें आगे बढ़ना होगा और प्रत्येक को आगे बढ़ने का अवसर देना होगा, ताकि हमारा देश विकास की ओर बढ़े, ताकि विश्व में जो आज हमारी भर्सना हो रही है, कभी मंदिर के नाम पे बोल, कभी गाय पशु के नाम पे बोल, कभी गणेश जी को दूध पिला के बोल, ये प्रथा खत्म हो और विकास के नाम पर हमारा देश आगे बढ़े। इसी के साथ आपने 10 से 3 बजे तक लगातार एक मंच से बैठकर इस सम्मेलन को आपने सफल बनाया।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं गोविंद राम की नींव की ईंट भूखा है। मैं आज खाजूवाला से 30,000 से जीता हूं, उस वक्त आपने 27,000 निकोर गोलों से जिताया था। गोविंद राम आज वही गोविंद राम है। लोखा का कोई भी व्यक्ति, किसी जाति और धर्म का व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा, मैं उसकी समस्या सुनकर, जो विधानसभा में उठाने वाली बात है मैं विधानसभा में उठाऊंगा, जो बात एसपी कलेक्टर साहब को कहनी है, मुख्यमंत्री जी को कहनी है, मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, उच्च विचारधारा के धनी है, और विशेषकर जो हमारा दलित और पिछड़ा और किसान, उसके बारे में हमने जो भी योजनाएं चालू की है वो आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। आप सब मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास करें, और हमारे लायक कोई भी बात हो आप कभी भी मेरे पास आए, आपकी बात सुनकर हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर गरीब तबका, आपके ऊपर किसी तरह की एट्रोसिटी और अत्याचार हो तो आप मेरे से संपर्क में रहें, गोविंद चौहान कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अब मैं दो नारे दूंगा, हाथ तान के जोर से मुक्का तान के आप नारे लोगे, जय भीम। नवमी है साथियों, जय भीम।